नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे भारत के अनसुने रहस्य बताने जा रहा हूँ जिनको पढ़कर आपके मन का ज्ञान भंडार बढ़ जाएगा। जी हाँ, भारत और भारत के बाहर आपको अनेकों ऐसे रहस्य सुनने को मिलेंगे जिसकी आपने कभी शायद कल्पना भी नहीं की होगी। कई तो ऐसे अजब गजब रहस्य हैं जिनमें से अभी तक पर्दा ही नहीं उठ पाया। हमारा देश यानी कि भारत कहानियों का देश रहा है। यहाँ हर काल या हर युग से जुड़ी सैकड़ों कहानियाँ आपने अपनी दादी और नानी से सुनी होंगी। कुछ रहस्य कहानियाँ इतने साल गुजरने के बाद भी आज आपके जहन में ज़रूर होंगी। प्राचीन समय में जब मंदिर या किसी चीज़ का निर्माण होता था तो वस्तु का ध्यान ज़रूर रखा जाता था। वहीं कई बार राजा महाराजा अपना खजाना छुपाने के लिए भी मंदिरों का निर्माण कराया करते थे और उस खजाने तक पहुंचने के लिए किसी भी गुप्त रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ आपको मैं कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका मतलब ना तो किसी वास्तु से है और ना ही किसी खजाने से, लेकिन ये रहस्यमय है और ये रहस्य जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, इससे पहले कि हम ये रहस्य की कहानियाँ शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी दिलचस्प कहानियाँ हम हर रोज़ आप तक पहुँचा सकें। चलिए विस्तार से आपको ये पूरी रहस्यमय कहानी बताते हैं। करणी माता मंदिर का रहस्य। करणी माता जो कि माँ दुर्गा का ही अवतार हैं, इनका वह मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के बीकानेर शहर में आज भी स्थित है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे पाए जाते हैं। दुनिया भर से पर्यटक इस मंदिर में अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए करणी माता के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इन चूहों को समय समय पर भोजन भी कराया जाता है। इस मंदिर में आए भक्तों को पाँव घिसट घिसट कर चलना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके पाँव के ऊपर से एक भी चूहा चला जाए तो उसके ऊपर देवी की माँ की कृपा हो जाती है, और यदि आपकी नज़र किसी सफ़ेद चूहे पर पड़ गई तो समझिए कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई। कन्याकुमारी देवी मंदिर, यह भारत का साउथ पॉइंट है। मंदिर के तीन तरफ पानी ही पानी है और यह मंदिर समुद्र तट पर है जहां माँ पार्वती के कुमारी रूप को पूजा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से यहां पर माता पार्वती का विवाह संपूर्ण हुआ था और उस विवाह में बचे चावल और दाल के दाने कंकड़ और पत्थर बन गए। आश्चर्य वाली बात यह है कि आज भी वो पत्थर वहाँ की रेत में चावल या दाल के जितना साइज के देखने को मिलते हैं। मेरू रिलीजन स्पॉट कैलाश पर्वत। हिमालय पर्वत के उच्चतम श्रृंखला मानसरोवर में ये बहुत पवित्र जगह है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ खुद विराजमान है। मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत और आगे मेरू पर्वत भी स्थित हैं। यहाँ का संपूर्ण क्षेत्र देवलोक का माना जाता है। कैलाश पर्वत का रहस्य की कहानी आपको वेद और पुराणों में खूब पढ़ने को मिलती हैं। शनि शिंगणापुर का इतिहास। भारत के अनसुलझे रहस्य में ये भी एक रहस्य है। हमारे देश में सूर्यदेव के पुत्र शनि के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक महाराष्ट्र के अहमदनगर का शिंगणापुर का शनि मंदिर भी बेहद ज़्यादा प्रचलित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसमें शनिदेव की स्थित प्रतिमा खुले आसमान के नीचे है, एक संगमरमर के चबूतरे के नीचे स्थित है। यहाँ इस शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना ज़्यादा है कि लोगों के घरों में दरवाजे और खिड़कियों में पर्दे नहीं लगे हैं और ना ही घर में तिजोरी रखी जाती है, क्योंकि वहाँ चोरी नहीं होती। लोगों का मानना है कि जो भी चोरी करता है भगवान शनिदेव उसको खुद सजा देते हैं। इसके तत्पश्चात उदाहरण कई बार भी देखे जा चुके हैं। मुक्ति के लिए यहाँ प्रति शनिवार के दिन दुनिया भर से लाखों की तादाद में भक्त आते हैं। सोमनाथ मंदिर का रहस्य। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इस मंदिर में स्थित शिवलिंग हवा में झूला करता था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको तोड़ दिया था। वहाँ एक साथ 24 शिवलिंग की स्थापना की गई थी जिसमें सोमनाथ का शिवलिंग बिल्कुल बीचों बीच था। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण खुद चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएगा। यदुवंशियों के लिए यह मंदिर बेहद ही ज़्यादा खास है।
आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि 17 बार इस मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की जा चुकी है और साथ ही हर बार इसका पुनर्निर्माण भी किया गया है। यही पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर का त्याग किया था। वो यहाँ पर विश्राम कर रहे थे और एक शिकारी ने भालू की आँख समझकर उनके तलवे पर तीर चला दिया, उनकी हत्या कर दी थी। और इसलिए आपको यहाँ एक बहुत ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी देखने को मिलेगा, अजंता एलोरा का मंदिर। इस मंदिर की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक ही स्थित हैं। उसका निर्माण वहाँ की बड़ी बड़ी चट्टानों को चीर कर बनाया गया है। 24 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में स्थित हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इसका निर्माण राजकोट वंश के शासकों के द्वारा किया था। इन गुफाओं पर आज भी चर्चा की जा रही है। यहाँ पर ऋषि मुनि अपनी गहन तपस्या किया करते थे। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। इस मंदिर के बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो। इस मंदिर में आश्चर्य वाली बात यह है कि इस मंदिर में स्थित काल भैरव की मूर्ति मदरापान करती है। शायद इसी वजह से मंदिर में भगवान को मदरा चढ़ाई जाती है और फिर प्रसाद के रूप में शराब ही बांटी जाती है। कहते हैं कि काल भैरव खुद इस शहर की रक्षा करते हैं और इसी वजह से मंदिर के बाहर पूरे साल मदरा उपलब्ध रहती है। हम्पी के संगीतमय खम्बे। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल जी का विशाल मंदिर है। 56 खम्बों में बना यह मंदिर भारत के शिल्पकारों के द्वारा बनाया गया जीता जागता उदाहरण है। इसकी खूबसूरती से अलग इस मंदिर से जुड़ी एक बात है जो कि मंदिर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन खम्बों को छू कर उनमें से अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनने को मिलती हैं और इसी वजह से इसको सारे गामापा पिलर्स भी कहा जाता है। अंग्रेजों के समय में जब इनको इस बात का ज्ञात हुआ तब उन्होंने दो खम्बों को तोड़ उसके